हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग वेलकम टू आर बी टी लर्निंग चैनल हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है चार्जिंग सेक्शन अंडर सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन चार्जिंग सेक्शन जो है सेक्शन नाइन है पे चार्ज होता है सेंट्रल गुड्स ऑफ सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो किस पे चार्ज होता है वो सब हम लोग देखने वाले हैं एंड उसमें जो भी उ, कुछ पे जो जी एस टी के दायरे में नहीं आता है जिसपे सी जी एस टी चार्ज नहीं होता है वो सब देखने वाले हैं और रेट्स जो हैं सी जी एस टी के वो सब देखने वाले हैं इस लेक्चर में सो सेक्शन नाइन सबसे वन इज़ सी जी एस टी इज लेवेड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सो इंट्रा स्टेट सप्लाई हम लोग पहले ही कर चुके हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स विद इन द स्टेट जो भी सप्लाई हो रहे हैं गुड्स या सर्विसेज या दोनों या विद इन यूनियन टेरिटरी जो भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हो रहे हैं एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन ह्यूमन कंजम्पन जो अल्कोहलिक लिकर है जो लिकर है वो जी एस टी उस पर नहीं लगता उस पर वैट एंड उस पर वैट चार्ज होता है ठीक है और एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है मैक्सिमम रेट जो है सीजीएसटी का वो है ट्वेंटी परसेंट इंडिविजुअली दैट इज़ सीजीएसटी का ट्वेंटी परसेंट एंड एसजीएसटी का ट्वेंटी परसेंट तो टोटल जो है फोर्टी परसेंट तक टोटल होगा दोनों का मैक्सिमम रेट सीजीएसटी इज़ चार्ज ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई अभी टैक्स जो है वो वैल्यू पे लगता है जो सप और टैक्सीबल इवेंट जो है जीएसटी में वो है सप्लाई तो सप्लाई होगा तो सप्लाई जो वैल्यू पे हो रहा है उस पर लगता है सीजीएसटी अंडर सेक्शन फिफ्टीन जो है सी जी एस टी एक्ट उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाती है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे सी जी एस टी पेड बाय टैक्सीबल पर्सन जो टैक्सीबल पर्सन सप्लाई कर रहा है गुड्स जो टैक्सीबल पर्सन रजिस्टर्ड है जी एस टी में सो so, वो पे करेगा गवर्नमेंट को सी जी एस टी सेक्शन नाइन टू जो है वो टॉक्स अबाउट द एग्जमशन फ्रॉम जी एस टी कौन से कौन से गुड्स जो हैं वो जी एस टी के सी जिस पर सी जी एस टी चार्ज नहीं होता और वो जी एस टी के दायरे से बाहर हैं एक तो है पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्प्रिट दैट इज़ पेट्रोल नेचुरल गैस एविएशन टर्बाइन फ्यूल फिर से देखते हैं पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्प्रिट और पेट्रोल दैट इज पेट्रोल नेचुरल गैस एविएशन टर्बाइन फ्यूल तो ये पांच ही जो गुड्स हैं वो सी जी एस टी डेट इज जी एस टी के एम दायरे से ही बाहर हैं मीन्स है, इन फ्यूचर जो काउंसिल है जी एस टी काउंसिल वो नोटिफाई करेगी इनपे कौन वो जी एस टी में आएंगे या नहीं आएंगे उन पे कौन सा रेट अप्लाई होगा जी एस टी का वो सब फ्यूचर में नोटिफाई करेगी वो सब रिकमेंडेशंस देगी काउंसिल अभी तक ये सब गुड्स जो हैं वो सी जी एस टी एक्ट में कवर नहीं हैं सेक्शन नाइन सब सेक्शन थ्री सेक्शन नाइन सब सेक्शन थ्री जो है वो है रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म से रिलेटेड बट जैसे कि सी जी एस टी में दो टाइप्स की चार्जेस हैं एक तो है फॉरवर्ड चार्ज जिसको हम लोग डायरेक्ट चार्ज भी बोलते हैं ठीक है थीके? तो डायरेक्ट चार्ज में क्या होता है कि जो सप्लायर गुड्स एंड सर्विसेज या दोनों सप्लाई कर रहा है तो वही पे करता है टैक्स गवर्नमेंट को वो रेसिपियन से कलेक्ट करके टैक्स वो खुद पे करता है और रिवर्स चार्ज में क्या होता है रिवर्स चार्ज मीन्स द लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय द पर्सन रिसीविंग द गुड्स सो हे द पर्सन हु इज रिसीविंग द गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ सच गुड्स तो इस केस में जो पर्सन है जो रिसीव कर रहा है गुड्स यहाँ सर्विस यहाँ दोनों वो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को तो सप्लायर पे जो लाइबिलिटी है वो डायरेक्ट चार्ज के अंडर अराइज होती है इसमें लाइबिलिटी जो है वो सप्लायर पे अराइज होती है और इसमें लाइबिलिटी जो है वो रिसिपियन पे अराइज होती है ठीक है जो रिसीव कर रहा है गुड्स और जैसे कि फॉरवर्ड चार्ज का एग्जाम्पल है कि इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस सप्लाई कर रहा है सो so, अपनी सर्विस अप्लाई कर रहा है तो वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को और रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म में ना कुछ गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं सर्विसेज वो नोटिफाइड सर्विसेज के केसेस में रिसिपियन टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को सिर्फ वो नोटिफाइड सर्विसेज के केस में न तो अदरवाइज जो है वो सप्लायर टैक्स पे करता है और नेक्स्ट हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक है रेट्स ऑफ सीजीएसटी अंडर सीजीएसटी एक्ट सो कौन सी कौन सी रेट्स हैं सी जी एस टी की जीरो परसेंट जीरो पॉइंट वन टू फाइव परसेंट वन पॉइंट फाइव परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंट सिक्स परसेंट नाइन परसेंट फोटीन परसेंट सो मैक्सिमम रेट जो है सी जी एस टी का वो है ट्वेंटी परसेंट ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा था तो वैसे ही एस जी एस टी में भी यही रेट्स हैं कि हम लोग देखते हैं कोई भी बिल पर या कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमको सर्विस जो वो प्रोवाइड करते हैं तो बिल पे जो सी जी एस टी होता है डेट इज़ टू पॉइंट फाइव परसेंट तो फिर एस जी एस टी भी टू पॉइंट फ़ाइव परसेंट होता है तो ये सब हमको सी जी एस टी के रेट्स मिले हुए हैं तो मैक्सिमम जो है सी जी एस टी ट्वेंटी परसेंट तक चार्ज हो सकता है उससे ज़्यादा नहीं डेट इज़ मैक्सिमम ट्वेंटी परसेंट सी जी एस टी एंड ट्वेंटी परसेंट एस जी एस टी ठीक है तो इन दोनों का टोटल होता है आई जी एस टी तो बट वो हम आई जी एस टी एक्ट में कर चुके हैं ये सब सी जी एस टी के रेट्स हैं तो आज का लेक्चर जो है यहाँ तक ही था थैंक यू गाइज थैंक्स दैट्स फॉर द डे